बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम के पहले हर्फ जे की शख्सियत और मिजाज के बारे में दिलचस्प मालूमात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जे से शुरू होने वाले नामों की शख्सियत बताने से पहले हम मुख्तसर बताते चलें कि इस चैनल पर हम मुख्तलिफ रूहानी मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ, दुआ और तावीज़ात की वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। अगर आपका कोई भी रूहानी मसला हो जिसका आपको हल ना मिलता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूहानी मसाइल के हल की नई और पुरानी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें, या किसी भी किस्म के रूहानी मसाइल के हल के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कायम करें। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो नाजरीन, आज के इस दौर में हमारे मुआशरे में मौजूद ऐसे अफराद जिनका नाम जे लेटर से शुरू होता है वो ज़्यादातर शौक, चंचल, नखरेबाज और जिंदा दिल होते हैं। इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहने में गहरा लगाव रखते हैं। अपने किरदार से लोगों को अपनी जानिब मतवज्जो करने का फ़न बखूबी जानते हैं। इनके फैसले अक्सर फौरी और पुख्ता होते हैं, इसीलिए जिस काम को करने का इरादा कर लें तो उस मामले में दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनते। बहुत ज़िद्दी भी होते हैं और इसीलिए मन मर्जी के ही कायल होते हैं। जिस चीज़ पर एक बार दिल आ जाए उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। दिल के बेहद खूबसूरत होते हैं, इसीलिए जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाते हैं हर मुश्किल में उसका साथ निभाते हैं, लेकिन अगर सामने वाला इनके म्यार पर पूरा ना उतरे तो फिर उसे अपने दिल में दोबारा जगह नहीं देते। प्यार मोहब्बत के मामलात में बहुत सीधे सादे और सच्चे होते हैं और आखिरी दम तक साथ निभाने के ही कायल होते हैं, मगर बाज़ जे नाम वाले अफराद में खुदगर्जी का अंसर भी देखा गया है। ये अपने ख्वाबों और ख्यालात को हकीकत के रूप में धारने के लिए किसी भी मुश्किल काम को सरंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी शख्सियत में चीज़ों की जांच पड़ताल करने की बहुत ज़बरदस्त खूबी पाई जाती है, इसीलिए कोई भी चीज़ जल्दी से इनके म्यार पर पूरा नहीं उतरती। यही वजह है कि ये अपने लिए ऐसी चीज़ का इंतखाब करते हैं कि दूसरे भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाते। इनकी ज़बरदस्त खूबियों की बिना पर अक्सर लोगों के दिल में इनके लिए जलन भी पैदा हो जाती है, जिसकी ये बिल्कुल परवाह नहीं करते और अपनी खूबियों में मज़ीद निखार पैदा करने की कोशिश करते हैं। जे नाम वाले अफराद की शख्सियत में चापलूसी नहीं होती और ना ही ये अपने से जुड़े किसी रिश्ते में चापलूसी को पसंद करते हैं। ये चूँकि खुद साफ दिल के मालिक होते हैं और इसीलिए अपने से मुंसलिक हर रिश्ते में इसी खूबी की झलक देखना पसंद करते हैं। जे नाम वाली अक्सर लड़कियां बहुत बातूनी होती हैं और अपनी चंचल अदाओं से दूसरों को अपनी तरफ मायल करने में कामयाब हो ही जाती हैं, इसीलिए लोग इनसे मुतासिर होकर किसी न किसी सूरत में इनसे रिश्ता जोड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। जे नाम वाले अफराद को अगर किसी की मदद करनी पड़ जाए तो बढ़ चढ़ कर पूरे दिल से करते हैं। दरमियाने दर्जे के चालाक होते हैं और इसीलिए बाज़ुकात लोगों के हाथों बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। ये अफराद आम लोगों की निस्बत कदरे खुशकिस्मत समझे जाते हैं, क्योंकि इन्हें ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके मिलते हैं कि जिसमें ये कम मेहनत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इन्हें ज़िंदगी में चैलेंजेस का सामना कम ही करना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार इन्हें कोई चैलेंज कर दे तो सर तोड़ मेहनत करके उस चैलेंज को जहाँ तक मुमकिन हो पूरा कर ही लेते हैं। तो नाजरीन, ये था जे की शख्सियत के बारे में मुख्तसर सा अंदाज़ा। इल्मे गैब अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हमने आपको जो मुख्तसर सी खूबियाँ और खामियाँ बयान की हैं वो हमारे मुशाहदे का हिस्सा और एक कैफा यानी अंदाज़ा है, और अंदाज़ा ज़रूरी नहीं कि 100% दुरुस्त हो और ये भी नहीं कि 100% ही गलत हो। नाजरीन, हमारा मुशाहदा आपकी शख्सियत के मुताबिक कितने परसेंट दुरुस्त है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।